आप देख रहे हैं महोबा न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। महोबा में अखिल भारतीय पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर जिले में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए आवाज बुलंद की है। आपको बता दें कि पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय में भारी मात्रा में जनपद के पेंशनरों ने कहा कि उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जो सही नहीं है। पेंशनरों की कई प्रमुख समस्याएं हैं, मगर उनका लंबे समय के बाद भी समाधान नहीं हो पाया। आज सभी ने एकजुटता दिखाते हुए संगठन को और मजबूत करने का प्रण लिया और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द समस्याओं के निराकरण की मांग की है। आज कलेक्ट्रेट में पेंशनरों के द्वारा काहे का धरना प्रदर्शन किया गया? आज अखिल भारतीय पेंशनर राज्य महासंघ के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में पेंशनर की जो समस्याएं हैं उनको लेकर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से 60, 65, 70, 75, 80 वर्ष में 10% पेंशन की वृद्धि, चिकित्सीय निश्चित 1,000 रुपये चिकित्सीय भत्ता और कैशलेस मुख्य समस्या, राशिकरण की धनराशि 15 साल कटौती होती है वो 12 साल में किए जाने की प्रमुख मांग है। तो इसमें कितने लोग लगभग शामिल रहे, पुरुष महिला मिलाकर? आज पूरा सैकड़ों की संख्या में थे, लगभग 1,000 से ऊपर हमारे पेंशनर थे और जिलाधिकारी महोबा ने ज्ञापन आके हमारा प्राप्त किया।